आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये ना केवल आपको सी यू ई टी के एंट्रेंस में मदद करेगा बल्कि कॉमर्स बेस्ड कोई भी एग्जाम हो आपका कॉमर्स बेस्ड सब्जेक्ट्स पे आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें आपकी ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर वन कहता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन ए नेशनल इनकम ऑप्शन बी डोमेस्टिक इनकम ऑप्शन सी पर कैपिटा इनकम ऑप्शन डी सैलरी तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए नेशनल इनकम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है प्राइमरी सेक्टर इज ए इंडस्ट्री बी ट्रेड सी एग्रीकल्चर डी कंस्ट्रक्शन तो करेक्ट आंसर है प्राइमरी सेक्टर हमारा होता है एग्रीकल्चर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेशनल इनकम इज मेजर्ड बाय यूजिंग डैश मेथड तो टू मेथड्स थ्री मेथड्स फाइव मेथड्स फोर मेथड तो करेक्ट आंसर इसका हमारा है बी थ्री मेथड तीन मेथड होते हैं इनकम मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड होता है और एक्सपेंडिचर मेथड ये तीन मेथड से आप नेशनल इनकम को मेजर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इनकम मेथड इज मेजर्ड बाई समिंग अप ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डैश पहला ऑप्शन है रेवन्यू दूसरा है टैक्सेस तीसरा है एक्सपेंडिचर चौथा है इनकम तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा है इनकम जो हमारा डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर इनकम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे विच इज दार्जेस्ट फिगर ऑप्शन में हम लोग देखेंगे क्या क्या है ए डिस्पोजेबल इनकम बी पर्सनल इनकम सी एन एन पी या डी जी एन पी तो करेक्ट आंसर हमारा है इसमें डी जी एन पी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन एक्सपेंडिचर मेथड इज यूज टू एस्टिमेट नेशनल इनकम इन डैश ए कंस्ट्रक्शन सेक्टर बी एग्रीकल्चर सेक्टर सी सर्विस सेक्टर या डी बैंकिंग सेक्टर तो करेक्ट आंसर हमारा है कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऑप्शन नंबर ए कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे टर्शरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज डैश सेक्टर तो यहां पर हमारा है ए सर्विस बी इनकम सी इंडस्ट्रियल या डी प्रोडक्शन तो करेक्ट आंसर हमारा है ए सर्विस सेक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर एट नेशनल इनकम इज अ मेजर ऑफ द डैश परफॉर्मेंस ऑफ एन इकॉनमी तो ऑप्शन हम लोग यहां पे देख लेते हैं ऑप्शन कहता है ए इंडस्ट्रियल बी एग्रीकल्चरल सी इकोनॉमिक डी कंजम्पन तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा आता है सी इकोनॉमिक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पर कैपिटा इनकम इज ऑप्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम बाय डैश सो ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है ऑप्शन हमारा पहला है प्रोडक्शन उसके बाद हमारा दिया है पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बी सी एक्सपेंडिचर डी जीएनपी तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा आता है ऑप्शन नंबर बी दैट इज पॉपुलेशन ऑफ कंट्री नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जीएनपी इज इक्वल टू डैश प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऑप्शन ए एनएनपी ऑप्शन बी एनडीपी ऑप्शन सी जीडीपी ऑप्शन डी पर्सनल इनकम तो करेक्ट आंसर इस केस में हमारा है डी दैट इज सी जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है जीडीपी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन एन एन पी स्टैंड फॉर ए नेट नेशनल प्रोडक्ट बी नेशनल नेट प्रोडक्ट सी नेशनल नेट प्रोविडेंट या फिर हमारा डी नेट नेशनल तो करेक्ट आंसर इलेवन का क्वेश्चन नंबर इलेवन का हमारा है ए दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट हमारा जो ये ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर है नेट नेशनल प्रोडक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व डैश इज डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू टू गेट द नेट वैल्यू आंसर्स हम लोग पहले ऑप्शन देख लेंगे ए इनकम B. Depreciation सी एक्सपेंडिचर डी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा आता है डी डेप्रिसिएशन नेक्स्ट क्वेश्चन द फाइनेंशियल ईयर आई होप इसका आंसर तो पता होना चाहिए क्योंकि ये तो ईजी क्वेश्चन है द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज अप्रैल वन टू मार्च थर्टी फर्स्ट मार्च फर्स्ट टू अप्रिल थर्टी एथ मार्च फर्स्ट टू मार्च सिक्सटीन जनवरी फर्स्ट टू डिसंबर Thirty-first. So, correct answer is option number A, April first to March thirty-first. Next question, we will see. When net factor income from abroad is deducted from NNP, the net value is A. Gross national product. B. Disposable income. C. Net domestic product. Or D. Personal income. तो करेक्ट आंसर इस केस में है हमारा ऑप्शन सी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ एन एन पी एट प्रोडक्शन पॉइंट इज कॉल्ड डैश ए एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट एन एन पी एट मार्केट कॉस्ट जी एन पी एट फैक्टर कॉस्ट या डी पर कैपिटा इनकम तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए ट इज एन एंड पी एट फैक्टर कॉस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे द एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री इज ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन दिए हैं ए पर्सनल इनकम बी पर कैपिटा इनकम सी इन्फ्लेशन रेट डी डिस्पोजल इनकम तो इस केस में हमारा करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो है पर कैपिटा इनकम ऑप्शन नंबर बी पर कैपिटल इनकम इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन हम लोग देखेंगे द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन इज कॉल्ड ए इन्फ्लेशन रेट बी डिस्पोजेबल इनकम सी जी या डी रियल नेशनल इनकम सो करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस इज रियल नेशनल इनकम जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन विच Is a flow concept. Question number 18, which is a flow concept? Option A, number of shirts, B, total wealth, C, monthly income, D, money supply. So the correct answer is monthly income is your correct answer. Next question PQLI. क्यू एल आई का मतलब होता है द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इज द इंडिकेटर ऑफ ए इकोनॉमिक ग्रोथ बी इकोनॉमिक वेलफेयर सी इकोनॉमिक प्रोग्रेस डी इकोनॉमिक डेवलपमेंट सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज बी करेक्ट आंसर इज डी बी हमारा सॉरी 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 इस केस का जो आपका हां इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज इकोनॉमिक वेलफेयर और मैं एक बार और आप लोगों को बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट है मंथली इनकम ठीक है मंथली इनकम आपका फ्लो कॉन्सेप्ट होता है और क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हमारा है इकोनॉमिक वेलफेयर बी ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आ जाते हैं द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम कम्स फ्रॉम ए प्राइवेट सेक्टर बी लोकल सेक्टर सी पब्लिक सेक्टर डी नन ऑफ above तो करेक्ट इसमें हमारा है ऑप्शन नंबर ए प्राइवेट सेक्टर इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ए प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम बी प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमर सी प्रिंसिपल ऑफ प्रोड्यूसर या डी नन ऑफ दी अबव तो करेक्ट आंसर इस केस में है हमारा ए प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज ऑप्शन नंबर ए एम्प्लॉयमेंट ऑपॉरचुनिटी ऑप्शन नंबर बी थ्योरी ऑफ सप्लाई कमोडिटी ऑप्शन नंबर सी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन स्कूटर या प्राइस ऑफ व्हीट इन द मार्केट जो कि है ऑप्शन नंबर डी तो करेक्ट आंसर इस केस में है हमारा ऑप्शन नंबर ए दैट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द इकॉनमी नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल प्राइस लेवल इज स्टडीड इन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स बी पहला ए uh, ऑप्शन है माइक्रो ठीक है मेरे मैंने गलती से मैक्रो बोल दिया पहला ऑप्शन है माइक्रो दूसरा है मैक्रो दैट इज बी तीसरा ऑप्शन है सी बोथ ए एंड बी और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीस तो इस केस में आपका करेक्ट आंसर जो हमारा है वो है ऑप्शन नंबर बी दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज रिलेटेड टू ए स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स या नन ऑफ दीज सो करेक्ट आंसर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज ए कैपिटल लॉस बी कैपिटल प्रॉफिट सी कैपिटल फॉर्मेशन डी नन ऑफ दीज सो करेक्ट आंसर इज कैपिटल फॉर्मेशन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सर्क्यूलर फ्लो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं रियल फ्लो ऑप्शन बी मनी फ्लो ऑप्शन सी ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज सो करेक्ट आंसर इन दिस केस इज ए एंड बी दैट इज ऑप्शन नंबर सी रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों इसमें हमारा आ जाता है ठीक है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन इसके बाद विच सर्विस इज इंक्लूडेड इन टर्शरी सेक्टर माइनिंग ए बी कंस्ट्रक्शन सी कम्युनिकेशन या डी एनिमल हजबेंड्री सो करेक्ट आंसर इज कम्युनिकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर ए लैंड B forest, C mining, D all of these. ठीक है तो करेक्ट आंसर हमारा इंक्लूडेड प्राइमरी सेक्टर में सब आता है तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो कि ऑल ऑफ दी अबव या ऑल दीज हम इसको कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम इनमें से क्या चीज हमारी नेशनल इनकम में आती है ऑप्शंस देख लेते हैं ट्रांसफर अर्निंग ऑप्शन नंबर बी सेल प्रोसीड्स ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स ऑप्शन सी ब्लैक मनी ऑप्शन डी नन ऑफ अबव सो करेक्ट आंसर इस केस में हमारा हो जाएगा नन ऑफ अबव ऊपर की कोई भी चीज हमारी नेशनल इनकम में नहीं आती है नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या हमारा आता है तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑप्शन दिए हुए हैं ए इंश्योरेंस बी मैन्युफैक्चरिंग सी ट्रेड या डी बैंकिंग तो करेक्ट आंसर इस केस में हमारा है मैन्युफैक्चरिंग ठीक है तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही आज हम लोगों ने ऑलमोस्ट थर्टी क्वेश्चंस कवर करे हैं आने वाले दिनों में मैं और वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक या किसी स्पेसिफिक चीज़ पे आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मेरी पूरी कोशिश होगी इवन दो आई कीप वेरी बिजी मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है मैं थोड़ा काफ़ी बिजी रहता हूँ लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जो भी वीडियो जो भी मदद आप लोगों की कर सकूँ बिल्कुल करूँगा सो दैट्स इट फॉर जस्ट नाउ कीप वॉचिंग कीप लर्निंग कीप शेयरिंग स्टे सेफ बाय बाय